नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक कंटेंट लेकर आए आपके बीच। एक जगह में चार बच्चे को शब्दंश के बाद मंदिर में सुलाने के बाद उस बच्चा कैसे जिंदा होकर घर आता है, देख लीजिए वीडियो। एक बच्चे को रात को 10 बजे इंडियन कॉमन के रेत बाइट करता है। बाइट करने के बाद उस बच्चे को लेकर सती माँ के मंदिर में ले गया गया और उस माता का मंदिर में सुला दिया गया। उस मंदिर में इस बच्चे ने इसके साथ साथ और भी चार बच्चे वहाँ पर सुला दिया गया, लेकिन उस चार बच्चे में से तीन बच्चे जिंदा हो जाता है, ठीक हो जाता है, और एक बच्चे मृत घोषित करने के बाद उस बच्चे को फिर दोबारा लेकर नदी के पास केले के थाम में बहा दिया जाता है। उस मरीज के घर वाले से मुझे बात हुआ है, और क्या बात हुआ आप पहले सुन लीजिए। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ सर, बोलिए। बोल रहे हैं कि कल रात में 10:30 बजे काटा है। 10 बजे उसके बाद बच्चा कितना देर के बाद उल्टी किया था? अब तो सर ये हमको पता नहीं है कि उल्टी किया है कि नहीं। उल्टी किया है कितना देर के बाद? आधा घंटे के बाद सर। आधा घंटे के बाद उल्टी किया? हाँ। ओहो, उसके बाद कितना साल का उम्र है बच्चा? 10-11 वर्ष सर। 10-11 वर्ष है। उसके बाद उल्टी करने के बाद जो है, उसके बाद बच्चा जो है पेट में भी दर्द हो रहा था? पेट में दर्द नहीं हो रहा था। पेट में दर्द नहीं हो रहा था? नहीं। नाक से खून आया था? हाँ नाक से खून आया है। उसको जो है कॉमन करे इंडियन कॉमन करे बाइट किया वो काला में सफेद धारी वाला? अच्छा बोलिए। ठीक है। हाँ। और ये इसको जो है आप लोग कम से कम 2 घंटा में भी हॉस्पिटल में ले जाते ना, तो एंटीवेनम पड़ता ना, ये इलाज हो जाता भैया। हाँ। अभी देखिए आपका बिहार से कितना कितना फोन कॉल से आया, सब इलाज हुआ है। कोई मुजफ्फरपुर में, कोई खगड़िया में, सब अभी स्वस्थ है। अभी हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, रात भर लाइन में बात चल रहा है। लेकिन आप लोग जब ओझा का पास झाड़ फूक करने ले गए, जब वहां पर नाक से खून आने लगा, तब तो कम से कम आप लोग समझना चाहिए डॉक्टर पास ले जाए। तो सर हम लोग ना ही ना थे, हम लोग उनके रिलेशन में ना थे, अभी हम लोग को आज दिन में आए हैं इसीलिए। तो ये बताइए, पेशेंट को बच्चे को ओझा पर ले गए थे, मंदिर में ले गए थे? मंदिर के पास ले गए थे सर, ओझा के पास नहीं। ओहो, मंदिर में जाके सुला दिए? हाँ हाँ एक हमारे तरफ बक्सर बक्सर यूपी जिले में एक ऐसी अमुआ का सती मैया का स्थान है, वहीं पर लेके जाते। भैया ये सती मैया के चक्कर में कितने आदमी का जान जा रहा, आप थोड़ा समझिए सुनिए। हम बार बार बोलते हैं भैया, अगर वहां पर 100 आदमी को सुलाया जाता है, उसमें 2-4 आदमी मरता ही होगा, इसलिए मरता है। तो मरता इसलिए है कि वहां पर जो बच के आते हैं ना, वो उसको बिना जहरीला सांप काटा है या कम मात्रा में जहर गया, उतना मात्रा में इंसान मौत नहीं होता है। इंसान को जब 12 मिलीग्राम से कम ज्यादा जहर जाएगा ना, तभी मरेगा। ठीक है, ये तो छोटा बच्चा है, और बहुत सारे बच्चे वहां जिंदा भी होकर आए होंगे, क्योंकि उसको बिना जहरीला सांप काटा है। ठीक है, अगर सती माँ बचाने रहते तो आपके बच्चे से दुश्मनी थोड़ी है। नहीं जी, सबसे ना वो माँ के लिए सब बच्चा बराबर होता है। ठीक है, तो माँ जब बचाएंगे तो सभी बच्चा को बचाएंगे, सभी मरीज को बचाएंगे, क्यों आपके बच्चा को मार देंगे? बचाइए, ये सब चीज आप तो समझना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाइए। आदमी हम हर बार हर वीडियो में बोलते हैं भैया डॉक्टर के पास जाइए, कोई दुनिया का कोई ऐसा मंदिर नहीं है, कोई ऐसा झाड़ फूक नहीं जो ये सर्पदंश में बचा सकता है। सर्पदंश में तभी बस आदमी इसीलिए भूल जाता है कि अगला को बचाया, अगला कैसे बचा, अरे अगला को बिना जहरीला सांप काटा या काटा तो कम जहर डाला है, ये तो समझिए। लेकिन आदमी समझता ही नहीं। आप बच्चे तो वहाँ क्या मतलब डेथ जिंदा है कि अभी क्या है? अभी सर मैंने मरा हुआ टाइप है, मरा हुआ है। चलिए उसको आप कोई उपाय। हाँ चपर सर एकदम लकड़िया गया है, कहा हो गया। हाँ, वो डेथ कर गया भैया, डेथ कर गया। अभी बोल के क्या फायदा, उसको जाके क्या कर रहे हैं उसको? अब जाके गंगा जी में दहलाएंगे सांप काटा हुआ। गंगा में बाला बहा देते हैं ना, केला के थम पर। हाँ, केला के थाम में जाके वो बहा देते हैं। ये पुराना प्रथा है, देखिए ये पुराना प्रथा है। जब केले के थाम में बहा जाता था ना, जब डॉक्टर नहीं था, जब डॉक्टर नहीं था तब होता था क्या, सर्पदंश में जब मर जाता ना, तो पेशेंट जब कोमा में चल जाता था। ठीक है, तो उस समय में जब डॉक्टर नहीं था, मशीन नहीं था, तो पता नहीं चलता था कि वो जिंदा है कि मर गया। तो आदमी क्या करते थे, केले का पेड़ में बहा देते थे।
बहा इसलिए देते थे ताकि वो आज ना कल अगर बाई चांस जिंदा रहे, बाई चांस हो सकता है पानी का संपर्क में जब आता है ना कोई मरीज, वहां पर जब पोल्यूशन नहीं होता है, कभी कभी हमारा डब्ल्यूबीसी अच्छा काम कर जाता है तो धीरे धीरे 24 घंटा 48 घंटा में वो मरीज बच जाता है। तो ये पहले होता था, आज नहीं, आज सालों 50 100 साल 2 साल पहले होता था। लेकिन आप तो साइंस से तुरंत बता देगा भैया इसका पाल्स चल रहा है कि नहीं, ये जिंदा है कि डेथ कर गया। तो आप ऐसे ये सब करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन बहाने का, नदी में बहाने का सिर्फ देखिए सिर्फ ये प्रथा है, बहाने से मतलब वो दूषित होगा, कल कहाँ जाएगा, सड़ेगा गलेगा, उसको खाएगा, अब उससे बढ़िया उसको दफना देना या उसको जला देना ये बेहतर होता है। हाँ अच्छा ठीक है, तो अब बताइए क्या कुछ होगा उपाय? कुछ नहीं भैया, अभी कोई उपाय नहीं, उसको ले जाना है, दिखाना है तो डॉक्टर को दिखाइए, वो पास देके देखेंगे कि जिंदा है कि डेथ करिएगा, ठीक नहीं वो है। तो बोल दिया, अभी गांव जवार में देखा हाँ है तो फिर तो छोड़िए ना, नदी में बहाइए भैया। तो दोस्तों एक्चुअली इस कहानी में सच्चाई क्या है, जिस मंदिर में जो 4 बच्चे वहां पर सुलाया गया था उसमें 3 बच्चे ठीक होकर वापस आया। वो 3 बच्चे को पूरी तरह नॉन वेनमस बिना जहरीला सांप सर्पदंश हुआ था। वो जिस बच्चे वहां से मृत घोषित कर दिया गया उस बच्चे जो है उनको वेनमस इंडियन कॉमन क्रेड बाइट किया था। आप बात यह है कि वहां मंदिर में सुलाने का बात, चाहे वो कॉमन क्रेड काटे, चाहे रेड स्नेक काटे, चाहे धोन काटे, किसी को भी काटे आदमी पहले ही डर जाता है। उसी तरह 3 बच्चे जो है वो भी डरे हुए थे, उनको जाके जो पुराना प्रथा है वहां पर चल रहा उसी प्रथा के अनुसार मंदिर में सुलाने का प्रथा है, सुला दिया गया और बच्चा चुपचाप सुता रहा। और कुछ देर का बच्चा जब कुछ नहीं हुआ, बेहोश नहीं हुआ, वोमिटिंग नहीं हुआ, नाक मुंह से ब्लड नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, फिर घर वाले समझ गए बच्चा ठीक हो गया, उसको लेकर वापस आ गया। लेकिन जिस बच्चे को नाक मुंह से खून बह रहा, जिस बच्चे को वॉमिटिंग हो रहा, जिस बच्चे धीरे धीरे बेहोशी छाने लगा और अंतिम में उनके जान चला गया। और दोस्तों एक चीज कहना चाहता हूँ, किसी तरह सती माता मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, प्लीज आस्था भगवान ये अलग जगह है और डॉक्टर बीमारी चिकित्सा इसको अलग जगह, इसको रखिए अलग जगह में, आस्था रखिए, सब कुछ कीजिए, पहले डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए और भगवान से दुआ करें कि मेरे बच्चे को ठीक। लेकिन इंजेक्शन जरूरी, जिस चीज के इलाज जरूरी वहां, अगर ऐसा है तो हर हर बीमारी में क्यों नहीं मंदिर लेके जाते हैं? हर भगवान को सहारा बनाकर सिर्फ भगवान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज ऐसा ना करें। सर्पदंश के बाद उन्हें जमीन में गाड़ दिया गया और हमें 10 दिन का बाप फोन करके बोलते हैं कि इसको उखाड़ के लेके आए सर, इसको बचाया जा सकता है। तो सोच लीजिए इतना भी अंधविश्वास, इतना भी अज्ञान, इतना बेवकूफ है कि 10 दिन तक भी वो मरीज जो मन का अंदर में जो गाड़ा हुआ दफनाया गया वो जिंदा रह सकता है, संभव है? तो ऐसा भी मानसिकता वाला आदमी है, अभी भी ऐसा सोच है कि गाड़ने के बाद वो सड़ गया गल गया फिर भी उनको यह उम्मीद रखते हैं कि वो जिंदा हो जाए। तो दोस्तों ऐसा अंधविश्वास में ना रहे प्लीज। बहुत सारे आदमी बहुत सारे ऐसे कॉमेंट में कहते होंगे नहीं आप नहीं जानते हैं, आप ये करते हैं। अरे भाई आपको क्या दिखाता हूँ मत देखिए, जादूगर जो दिखाता स्टेज में वो सच्चाई नहीं है, उसका पीछे का बैग में आके देखिए क्या होता है उसका सच्चाई। उसी तरह वहां क्या होता है नहीं होता उसके बारे आपको पता नहीं, आपको सामने जो दिख रहा आप उसी को मान रहे, जो दिखता है वो सच नहीं है, पहले उसका बारे में देखिए सुनिए। और जो कह रहे हैं मैं आज 25 30 साल से यही कर रहा हूँ, यही देख रहा हूँ, इसी का बारे रिसर्च कर रहा हूँ, क्या सच है क्या झूठ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सभी खुश रहें, इसी तरह सपोर्ट करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।